एमपी के सीएम मोहन यादव ने एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को चेतावनी दी है। सीएम मोहन यादव ने कहा है कि ओवैसी मध्य प्रदेश को हैदराबाद न समझें। एमपी में बीजेपी की सरकार गुंडों और शरारती तत्वों से निपटने के लिए तैयार है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया एक्स पर मंडला में हुई कार्रवाई पर पोस्ट करते हुए मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की आलोचना की और लिखा, मध्य प्रदेश सरकार भीड़ की तरह काम कर रही है। ओवैसी के इस बयान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने ओवैसी पर धर्म के आधार पर राजनीति कर दो समुदायों के बीच मतभेद फैलाने का आरोप लगाया है। सीएम मोहन ने कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है, ओवैसी जिस वर्ग से ताल्लुक रखते हैं उसको भी लज्जित करते हैं। भारत में संविधान से सरकारें चलती हैं। हमारी सरकार अपराध पर कार्रवाई करना लगातार जारी रखेगी। कानून के अंतर्गत सबको चलना होगा। हम समझौता नहीं करने वाले हैं। गुंडा तत्वों के खिलाफ सरकार का निर्णय कठोरता से पेश करेंगे। सीएम मोहन यादव ने कहा, मेरी तरफ से ओवैसी को यह बात पहुंचा दीजिए कि वे मध्य प्रदेश को हैदराबाद नहीं समझें। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है जो गुंडे और शरारती तत्वों से निपटने में सक्षम है। देखिए, ये ओवैसी की दृष्टि हो सकती है, वो उसकी दृष्टि में हमेशा दो वर्गों की वो बात करते रहे। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि वो जिस वर्गों को बिलोंग करते हैं वो उस वर्ग को भी लज्जित करते हैं। इस भारत में सभी नागरिक समान अधिकार के आधार पर संविधान से सरकारें चलती हैं। अपराधी कोई भी हो, हमारी सरकार अपराध के ऊपर कार्रवाई करना लगातार जारी रखेगी और कानून के अंतर्गत सबको चलना पड़ेगा। इसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले, और ख़ास करके गुंडा तत्वों के लिए तो सरकार ने जो निर्णय किया है उस निर्णय से हम लगातार कठोरता के साथ ही पेश करेंगे। लेकिन आम जनजीवन को किसी प्रकार का कोई कष्ट आए ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी अपनी ओर से आप जहाँ तक बात पहुँचा सकते हैं उनको बात पहुँचा दीजिए कि वो हैदराबाद नहीं समझे मध्य प्रदेश को। ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, और भाजपा की सरकार शरारती गुंडाई सब तत्वों से निपटने में सक्षम है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।